माननीय मुख्यमंत्री जैसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं, वैसा सब लोग को मंत्रालय में जो जगह दिए हैं उससे रिजाइन करवाइए, नहीं रिजाइन करवाइएगा तो हम आपके पार्टी से जो विधायक हैं हम अपने पद से रिजाइन दे देंगे। जमीन पर तो काम करती नहीं है, होर्डिंग बैनर लगाने से पार्टी का मजबूती नहीं होता है। अफसर से पैसा वसूल करके आप होर्डिंग लगवा दीजिएगा, बैनर लगवा दीजिएगा, उससे पार्टी का मजबूती नहीं होगा। जमीन पर उतर करके जो है ना पार्टी के लिए काम करना पड़ता है, तभी पार्टी का मजबूती होता है। और वह जो दहशत फैला करके रखी है पूर्णिया में, और जो है कई अपराध में जो है उसका मर्डर केस में नाम है। कई बार जो है आप देखे होंगे पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, फिर जो है कि पटना में तेजस्वी जी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का काम किया, फिर विधानसभा में हंगामा हुआ, सारे चीज़ जानते हुए फिर उसको मंत्रालय दिया गया। हमारे बेटी का चेयरमैन का चुनाव हुआ, वो जी जान लगा दी हराने के लिए, जबकि आला कमान माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताने का काम किया, सारा जानकारी देने का काम किया कि इस तरह से वो कर रही है, तब भी उसको कुछ नहीं कहा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम बताने का काम किया, ललन बाबू को राष्ट्र जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जी से हम बात करने का काम किया पार्टी ऑफिस में जा करके कि इस तरह की हमारे साथ हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर भी आप उसको जगह दिए, क्यों मंत्रालय में ऐसा सब लोग को जगह दिए हैं जो कि पार्टी में रह करके दीमक के तरह पार्टी को खाया जा रहा है, वैसा सब लोग को जगह देते हैं? क्यों हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बात रख पाते हैं, हम लोग का उतना लॉबी नहीं है नेता तक पहुँचाने का, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। वो लोग खाली लॉबी बनाने में रहती है पटना में बैठ करके, इस तरह का वो करती है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग नेता मानते हैं नीतीश कुमार जी को, और उसको हम मानने वाले हैं, हमारे एक एक जनता उनको चुनते हैं। हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जैसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं, वैसा सब लोग को मंत्रालय में जो जगह दिए हैं उससे रिजाइन करवाइए, नहीं रिजाइन करवाइएगा तो हम आपके पार्टी से जो विधायक हैं हम अपने पद से रिजाइन दे देंगे, एकदम करेंगे। जाकर के अपने क्षेत्र में हम अपने आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे इनके विरोध में। कैसा सब लोग को पार्टी में क्यों रखा गया है, जो कि विधायक के इलेक्शन में भी विरोध करती है, एमपी के चुनाव में भी विरोध करती है। जब एमपी का चुनाव होता है तो दूसरा जो है कि रात के अंधेरे में दूसरे के प्रचार करती है, दिन के उजाला में जो है दिखावा के लिए जदयू के प्रचार में लगती है। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।